और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस की। मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक इस वक्त जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त बैठक ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता मीटिंग में मौजूद हैं। गृह और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण के हालातों पर इस वक्त चर्चा हो रही है। बेहद अहम बैठक जिसमें मौजूदगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद हैं, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी मीटिंग में मौजूद हैं। इसके अलावा गृह और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में कोरोना संक्रमण के हालातों पर चर्चा हो रही है। फिलहाल चर्चा जारी है, मुख्यमंत्री आवास पर ही अहम बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनकी अध्यक्षता में यह बैठक जारी है, जिसमें फीडबैक भी ले रहे हैं। मॉनिटरिंग की भी रिपोर्ट ली जा रही है कि आखिर कितने पेशेंट कहां पर आए हैं, कितने पॉजिटिव आज की तारीख में है, कुल आंकड़ा राजस्थान का कैसा है, किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर है, कहां कुछ अगर कमी लग रही है तो उसे कैसे पूरा किया जाए। जो लोग फंसे हैं मजदूर वर्ग लोग, उनके लिए भी जिस तरह से कहा गया है कि व्यवस्थाएं की जाए खाने पीने और रहने को लेकर, उससे के मद्देनजर क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन स्तर पर, तमाम अहम जानकारियां इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। बेहद अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मुख्य सचिव डीबी गुप्ता भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। इसके अलावा गृह और चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। चर्चा कोरोना संक्रमण के हालातों पर की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर यह अहम बैठक, नजर मुख्यमंत्री लगातार बनाए हुए हैं इसे लेकर, लेकिन कोरोना संक्रमित जितने लोग हैं किस तरह से उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ कोरोना वॉरियर्स को लेकर भी गंभीर है मुख्यमंत्री। इधर सीएमआर में अहम बैठक जारी है मुख्यमंत्री आवास पर, लेकिन सीएमआर में जाने से पहले सैनिटाइजेशन किया गया। डिप्टी सीएम सचिन पायलट की गाड़ी को सैनिटाइज किया गया है। सीएमआर के बाहर तैनात है सैनिटाइज करने वाली टीम, और जो भी सीएम आवास पर प्रवेश कर रहा है, सीएमआर में प्रवेश कर रहा है, उससे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जब डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे सीएमआर इस बैठक में शामिल होने के लिए, उससे पहले उनकी गाड़ी को सैनिटाइज किया गया। ये टीम मौजूद है सीएमआर के बाहर जो अंदर प्रवेश करने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज कर रही है। और इसी कड़ी में जब बैठक के लिए डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे तो उनकी गाड़ी को भी सैनिटाइज किया गया एहतियात के तौर पर। अब समझा जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, हर एक ऑफिस जहां पर भी अभी मजबूरी है काम करना, वहां पर भी पूरी इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। हॉस्पिटल हो या फिर मीडिया हाउस, तो बैठक में शामिल होने से पहले तस्वीर थी जब सैनिटाइज किया गया डिप्टी सीएम सचिन पायलट की गाड़ी को। इस वक्त आपको बता दें बैठक ये जारी है, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, सीएसडीबी गुप्ता यहां पर मौजूद हैं। और चलिए इस मीटिंग को लेकर ताजा अपडेट के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश, बेहद अहम बैठक है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं, और अब सीएमआर में ये अहम बैठक, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर मिल सकी है? जी बिल्कुल, देखिए आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसकी ये बैठक है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पे चल रही है, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के अलावा डिप्टी सीएम सचिन पायलट और 9 मंत्री मौजूद है। यानी इसके अलावा हम कहें बात कहें तो करीब एक दर्जन से अधिक जो है वो IAS अफसर है, विभिन्न विभागों के जो सचिव है वो मौजूद है। बड़ी मीटिंग है, अहम मीटिंग है, और कोरोना संक्रमण के कारण जो हालात बने हैं उसके बाद ये इस प्राधिकरण की पहली बैठक है जिसमें एक साथ इतने मंत्री है वो हिस्सा ले रहे, इतने सारे अफसर वो हिस्सा ले रहे हैं। बड़ा मंथन हो रहा है, बड़ी चर्चा हो रही है कि राजस्थान पे जो संकट है इसके इस संकट से कैसे निपटा जाए और उसके लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, आपदा प्रबंधन के तहत क्या क्या काम और हो सकते हैं, कई अहम फैसले हो सकते हैं। और दूसरी बड़ी चीज ये देखिए, एक तरफ कोरोना का संक्रमण का मामला है और दूसरी तरफ जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है या भारी बारिश कई जगह हुई है उसके कारण से जो किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके इस बैठक में चर्चा हो रही है। लेकिन मुख्य जो
फोकस है वो इस बात को लेके है कि कोरोना संक्रमण के कारण राजस्थान में जो हालात पैदा हुए हैं, कुछ ज़िलों में काफ़ी हालत ख़राब है। हम बात करें भीलवाड़ा की बात करें, अब अजमेर भी इसमें शामिल होता जा रहा है। इसके अलावा हम जयपुर की बात करें जहाँ पे चार दीवारी में कर्फ्यू लगा है, और जिस तरह से बड़ी चीज़ यह है कि जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब है, जो ऐसा आय है जिनका रोजी रोटी छिन गई है, रोजमर्रा का जो काम छिन गया है, उनके लिए क्या हो सकता है, क्या सरकार घोषणा कर सकती है, किस तरह लोगों को रिलीफ और दे सकती है। क्योंकि हमने देखा कि लगातार तरह तरह की मांगे हैं वो उठती आई है, चाहे भोजन राशन की बात हो या अभी जो बात आई कि बिजली और पानी के जो बिल है वो माफ़ होने चाहिए करीब एक दो या तीन महीने के। इसके अलावा जो लोग किराए के मकान में रहते हैं या और जिनको राशन की सुविधा नहीं है, अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जो है वो पूरा प्रबंधन किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी परेशानी में हैं। तो इसके लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, सचिव है, वो सभी रिपोर्ट देंगे। मुख्यमंत्री सभी से चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के बाद में राजस्थान की आज तक की जो स्थिति है और भविष्य में क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, इनसे मुद्दों पर यहाँ विचार विमर्श हो रहा है। और ये भी बता हम आपको कि इस बैठक के बाद कई अहम फैसले हैं वो राज्य सरकार ले सकती है। बिल्कुल, और पूरी तरह से फोकस कोरोना संक्रमण के हालातों पर ही रहेगा नरेश, ये माना जा सकता है, क्योंकि इस वजह से लॉकडाउन तो किया गया है, वो एहतियात के तौर पर है, जरूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ लोग परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से आपने पूरा गिनाया भी कि क्या क्या चीजें, क्या क्या मुश्किलें लोगों को आ रही है, माना जाए कि ये जो दिक्कतें लोगों को आ रही है उसके मद्देनजर ही कोई बड़ा फैसला हो सकता है, इस मीटिंग में निर्णय लिया जा सकता है, और मीटिंग खत्म होने के बाद भी कुछ ऐसा ऐलान हो सकता है ताकि राहत आमजन को मिल सके। श्वेता, बिल्कुल, देखिए जो फोकस है वो इसी बात को लेके है कि कोरोना संक्रमण के कारण जो राजस्थान में हालात है उससे कैसे निपटा जाए, भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, जो लोग परेशानी में आए हैं उनको किस तरह से मदद दी जा सकती है। देखिए शहरी इलाकों में तो हमने देखा है कई जगह कर्फ्यू की स्थिति है या सरकार ने कड़ाई से पालना की है, लॉकडाउन की पालना की है, लेकिन इस लॉकडाउन का असर अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ पर किसानों पर उसका असर पड़ रहा है। ग्रामीण जो कह सकते हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जो ऐसा आए जो रोज जो है वो काम करते थे, दिहाड़ी मजदूर जिनको कह सकते हैं, उन सब के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। तो ऐसे में उन लोगों के सामने गुजारा करना मुश्किल है। हालांकि सरकार ने राशन की व्यवस्था की जा रही है सरकार के द्वारा, इसके अलावा जिस तरह से आपने कहा भी कि बेहद अहम बैठक है, निश्चित तौर पर अहम बैठक है, तो ये बैठक लंबी भी चल सकती है। बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है, आपसे अपडेट हम लेंगे। फिलहाल के लिए आप नजर बनाए रखिए, शुक्रिया।